इस घटना को ना हमें दो पहलू से देखना पड़ेगा. एक सिचुएशन है जो कि एक इंटेलिजेंस फेलियर हो या आप उसको सिक्योरिटी ब्रीच मान सकते हैं, और ये सिक्योरिटी ब्रीच जो है ये दो जगह पे हुआ है मुझे लगता है. एक तो दिल्ली मेट्रो में भी हुआ है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये जो भी डिवाइस लेके आए हैं ये दिल्ली मेट्रो में आए हैं एज पर रिपोर्ट्स, तो वहाँ पे भी हुआ है. और दूसरा ये संसद में हुआ है, तो इसको एक तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि चूक कहाँ हुई है. अगर आप जान मतलब हम सभी जानते हैं कि संसद, फिर राष्ट्रपति भवन और ऐसे जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं, और उनको MPs हो या फिर ऑफिसर्स हो या फिर ऑनलाइन प्रोसेस से भी एंट्री मिलती है इन जगहों में. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दोष किसी एक MP का है कि उन्होंने इस बंदे को पास क्यों दिया, या ये दो लोग उनके पास नहीं, किसी के भी पास से आ सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक MP अगर इसी तरीके से बहुत कैजुअल रहेगा पास देने में, तो एक कंपैरिजन भी किया जा रहा है. तो सिक्योरिटी ब्रीच है ये, तो बिल्कुल एक चीज आप बताइए, किसी और को जिम्मेदारी दे दी कि आप देख लीजिए इसको भी आप एंट्री कराना चाहते हैं. देखिए ये जो एंट्री हो रही है ना उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का पुलिस वेरिफिकेशन या कोई चीज़ हो रही है किसी भी MP के द्वारा. जैसे मैंने राष्ट्रपति भवन का ऑनलाइन टिकट बुक करके मैं अंदर गई हूँ, तो मेरा कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है. मेरे को अपना आधार देना पड़ा और सभी लोग जो जा रहे थे उनका आधार देना पड़ता है. इसमें कोई पुलिस वेरिफिकेशन या और चीजें नहीं होती है. एक तो हो जाएगा कि प्रताप सिंह जी की इनोसेंस, उन्होंने शायद पता नहीं, और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत और बहुत कई महीने तक की प्लानिंग हुई दिखती है, आप ऐसे ही नहीं घुस जाते और आप क्योंकि इतने सारे लोग हैं इतने सुनियोजित तरीके से आए और उसके बाद MP के पास ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. और मुझे लगता है कि जो MP है उन्हें ज़रूर जवाब देना चाहिए, लेकिन कब देना चाहिए ये मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी उनसे अभी बात कर रही है, तो विषय गंभीर है. तो इस वक्त उन्होंने ये सब कुछ बताना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि ज़रूर जो सुरक्षा एजेंसी है वो MP से बात कर रही है. वो बोले ये सबको, देखिए जांच तो होनी चाहिए, और ये MP के जरिए वो गए हैं. अब सारे MPs देते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रताप सिम्हा जी ने दिया है, राहुल गांधी जी भी देते होंगे, सोनिया गांधी जी भी देती होंगी, सभी लोग देते होंगे. अगर कोई पार्टी के दो लोग कहीं अंदर जाके, या कोई ऐसे जो दो बच्चे हैं युवा है वो अंदर जाके ऐसे कोई हंगामा करते हैं, MP तो नहीं सोच सकता कि उनके पास से पास लेके कोई ये सब कर सकता है. बेनिफिट ऑफ डाउट तो है. अब आते हैं हम दूसरे विषय पे कि प्रताप सिम्हा जी ने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. तो मुझे लगता है जरूर प्रताप सिम्हा जी को बोलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम आज नहीं बोल सकते. उसका तरीका है. देखिए मैंने इसीलिए बोला कि ये दो विषय है. एक तो है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच है उस पे जरूर सरकार से सवाल पूछने चाहिए, सुरक्षा कर्मियों से सवाल पूछने चाहिए, और जो भी दोषी है वो उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो भी लूपहोल्स है उस पर सरकार ने जवाब देना चाहिए. ये बात में मैं एग्री करती हूँ. और ऑपोजिशन का ये काम है कि कहीं पे भी अगर सुरक्षा ब्रीच हुआ हो, वो पार्लियामेंट में हो या कहीं और भी हो, तो उन्होंने सवाल करने चाहिए. लेकिन मेरा एक ही इसमें सेकेंड पॉइंट है कि तरीका गलत है. आप हुलिगन खुद नहीं बन सकते हो पार्लियामेंट में जाके, और पूरे पार्लियामेंट को धरे पे नहीं ले सकते हो इस तरीके से, जिस तरीके से इनका जो बर्ताव है पार्लियामेंट में. 2010 में यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो कि प्रोटेस्ट करने को एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे. दोनों ही अंदर एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, पार्लियामेंट के बाहर एक तरीका होता है. और मुझे लगता है पार्लियामेंटेरियन को भी ये मालूम है, ये डेस्परेशन में जाके उन्होंने इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था. मुझे लगता है उन्होंने पार्लियामेंट की जो आचार संहिता है उसको मानना चाहिए. तब प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट, प्रोटेस्ट हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है.
देखिए प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट आज भी है, लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि शाहीन बाग आप रास्ते पे बैठ के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको डेजिग्नेटेड एरिया में जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए। संकेत जी मुझे लगता है कि एमपीज जो है वो अपने ऑफिस के जरिए ऐसे लेटर्स देते हैं रिकमेंडेशन के और काफी लोग विजिट करते हैं पार्लियामेंट, तो अब मुझे पता है कि ये जो लोग गए हैं इनका कोई पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कोई ऐसी चीज है जो देखने से चूक हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में या राष्ट्रपति भवन में अगर उनको जाना है तो सिर्फ आधार कार्ड देना पड़ता है, मुझे पता नहीं है कि पीछे कोई इतने सारे लोगों का कोई बैकग्राउंड चेक या रेफरेंस चेक होता है या नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे कोविंद जी उन्होंने कहा था ये डेमोक्रेसी का टेम्पल है, आप देशवासियों को इसमें आना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई एमपी जब रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक हो रहा है, और ये बच्चे हो सकते हैं कि वो बेरोजगार है, जैसे उन्होंने कहा कि भगत सिंह से इंस्पायर होके वो आए हैं और उन्होंने कोई आंदोलन वृत्ति से अंदर आए हैं, तो पता नहीं है कि ये टेररिस्ट तो नहीं है, मतलब पिछला कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर किसी आंदोलन में भी ये शरीक हुए दैट डजंट मीन। अब तो यूएपीए का केस लग गया, अब तो जांच होगी और उन्होंने फ्रेंकली जरूर बहुत खराब कर लिया है अपने साथ ये सब करके। मुझे लगता है कि प्रताप सिम्हा जी को आना चाहिए, लेकिन आज ही आना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि क्या इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है और जांच जरूर होगी। नहीं, अपना स्पष्टीकरण देने में क्या सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस सुमित्रा जी, अपनी बात लेकिन जांच जरूर चल रही होगी और उनके ऑफिस में भी जांच चल रही होगी, तो किस तरीके से क्या लिंक है, किस तरीके से इनके ऑफिस ने ये परमिशन दिए है, ये सब तो इस बात की भी जानकारी मुझे नहीं लगता सार्वजनिक है कि उनके साथ जांच चल रही है या नहीं। देखिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अभी ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है तो हमें भाग दौड़ करके कोई स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए मुझे लगता है, और मुझे लगता है कुछ दिनों में या कुछ लेकिन आप भी मानती है की जो सत्ता में जो दल है या जो केंद्र में सरकार है उससे सवाल पूछना अपराध नहीं, और सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि आपकी तरीका है, लेकिन उसका एक तरीका है, आप सदन का अपमान नहीं कर सकते, अगर सांसद भी उसी तरीके से पेश आएंगे जिस तरीके से ये आंदोलनजीवी कर रहे थे या जो अंदर आए थे टेररिस्ट बोलो या जो भी आप उनको नाम देखिए, ये नामकरण तो मैं नहीं करेंगे तो फिर